यहाँ पे मेकिंग होती है, एक पूरी शॉप है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर सारा लिखा हुआ है असली मुन्ना भाई गुजिया वाले। ठीक है, इसको रख दे, घी में फ्री में फ्राई होता है। ठीक है, ठीक है, घंटा घंटा में लग जाते सेकने में। अच्छा, इतना टाइम लगता है, बिल्कुल कम है आंच पे। मुन्ना भाई गुजिया वाले। अच्छा, मुन्ना भाई गुजिया वाले, तो ये कितने अर्से से आप काम कर रहे हैं इधर? 1959 से हैं। अच्छा, 1959 से हैं, ये काफी साल पुरानी है। तो दोस्तों, इस समय मौजूद हूँ कोरंगी में 4 नंबर पर कल्लू चौक पे, और यहाँ पे मुझे बहुत ही जबरदस्त और मजेदार किस्म की गुजिया मिली है, जो कि एक यूनिक सा आइटम है और दिखने में बहुत ही जबर और यम्मी से चाह रहा भाई इसको पूरे थाल को ही उठा के खा लिया जाए, इसमें से जो खुशबू उठ रही है वही बहुत लाजवाब सी है। अच्छा, तो यहाँ पे भाई मौजूद है, इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे तबीयत है आपकी? अच्छा, आप मुझे बताएं कितने की है ये? 800 रुपये किलो है, 80 रुपीज़ पर पीस है। अच्छा, 80 रुपीज़ पर पीस है यहाँ पर। मुझे बताएं कि ये होती क्या है? ये गुजिया है, बेसिकली मिठाई है। अच्छा, ये इस टाइम पे कोरंगी के जो है ना, आप ये समझ लें कि बहुत जो है ना मिठाई है, फेमस मिठाई है और यूनिक है, इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। ये यूनिक ये है कि ये जो है ना पाकिस्तान में लाने वाले ही हम लोग। अच्छा अच्छा, तो ये अपनी कार्ड का नाम बताएं हमारे व्यूअर्स को, आप जगह का नाम क्या आपकी? इस कल्लू चौक एक कोरंगी 4 नंबर पे। अच्छा अच्छा, और ये शॉप का नाम क्या आपकी? मुन्ना भाई गुजिया वाले। अच्छा, मुन्ना भाई गुजिया वाले, तो ये कितने अर्से से आप काम कर रहे हैं इधर? 1959 से हैं। अच्छा, 1959 से हैं, ये काफी साल पुरानी है गुजिया। अच्छा, एक तरह से मीठा समोसा बोलते हैं इसको? नहीं, ये मीठा समोसा एक अलग चीज, उसके अंदर सूजी का हलवा ये वो। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके अंदर खोया होता है। खोया होता है, ठीक है ठीक है। तो दोस्तों, अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो ये गर्मा गर्म सी गुजिया तैयार हो रही है, इनकी बैक साइड पे तैयार होती है, पीछे चलते हैं आपको बता दें यहाँ पर किस तरह से तैयार की जाती है। चले, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मुन्ना भाई गुजिया वाले ये गाड़ी में सर्व कर रहे हैं, और इतनी ज़्यादा इनकी खूबसूरत सी गाड़ी है जो कि मौजूद है रोड पर, और उसकी बैक साइड पर, गाड़ी की बैक साइड पर, यहाँ पर पूरी उनका यहाँ पे मेकिंग होती है, एक पूरी शॉप है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर सारा लिखा हुआ है असली मुन्ना भाई गुजिया वाले, और काफ़ी पुरानी इनकी शॉप है। तो चले इस शॉप के अंदर चलते हैं, आपको बताता हूँ यहाँ पर गुजिया कैसे तैयार होती है, जल्दी है। अस्सलाम वालेकुम, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गर्मा गर्म से गुजिया फ्राई हो रही है। अच्छा, ये कैसे तैयार करते हैं आप बताएंगे कुछ? तैयार करते हैं, पहले तो हम इसकी लगाते हैं मल्ली। अच्छा अच्छा, तो आटा वगैरह गूंदा, उसके बाद हमने लोहिया काटी। ठीक है, तो मैदे से बनती है। ठीक है, ठीक है, फिर खोया उसको रख के फिर उसकी चुटकी लगाते हैं। ठीक है, चुटकी लगाने के बाद जब मतलब चुटकी मतलब पैक कर देते हैं, पैक कर देते हैं। ठीक है, फिर उसको रख दे, घी में फ्री में फ्राई होता है। ठीक है, ठीक है, घंटा घंटा में लग जाते सेकने में। अच्छा, इतना टाइम लगता है, बिल्कुल कम है आंच पे ये तैयार हो रही है। ठीक है, निकाल के फिर हम इसको शीरे में डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब अगर तेज आंच करेंगे तो फिर ये जल जाएगी, है ना? जैसे समोसे वगैरह होते हैं वो तो गर्म आग पर ही पक जाते हैं, तो इसको बिल्कुल लो आग चाहिए होती है, तकरीबन 1.5 घंटा लगता है इसको पकने के अंदर। अच्छा, इधर से फिर आप इसके अंदर इसको बना के रख देंगे। अच्छा, मुझे आपके जो घी है उसकी बहुत अच्छी से खुशबू आ रही है, फ्रेश और ताज़ा था, कौन सी क्वालिटी का यूज करते हैं आप? हमारा है। अच्छा, तो मतलब फ्रेश एक नंबर है, फ्रेश हो गया, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। अच्छा, मुझे आप बताएं इसके अंदर जो खोया आपने डाला है वो कौन सा होता है, मतलब सिर्फ खोया है या उसमें और चीज़ें भी हैं? सिर्फ खोया होता है। अच्छा, खोया होता है, खोए में जो इलायची दाना होता है वो इसकी जान है। अच्छा, चाय का बड़ा टेस्ट बढ़ता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी ये आप इसमें शीरे में डालेंगे तो शीरे में फिर ये कितनी देर रहेगी? तकरीबन 15-20 मिनट। अच्छा, 15-20 मिनट, चले ठीक है। यहाँ पे इसके बाद ये शीरे में आती है और शीरे से आगे फिर ये शॉप पे चली जाती है, तो ठीक है, सेल होती है। तो चले अब आपको टेस्ट करके बताएंगे इसका जायका कैसा है। चले, तो दोस्तों अब मैं वापस से शॉप पे आ चुका हूँ, अब हम हमारे लिए लेने वाले हैं हमारे लिए मजेदार सी गुजिया। तो ये आई है हमारी गुजिया। अच्छा है, आप इसकी प्राइस फिर से बता दें ताकि जो लोग सुन रहे हैं उनको पता चल जाए कितने की है। ये 80 रुपीज़ ईच है, 800 रुपीज़ पर केजी है। ठीक है, ठीक है, तो मतलब 1 किलो लेना चाहें तो वो आपको मिलेगी 800 की, अगर एक ही खाना चाहें तो वो 80 रुपीज़ के। तो उसको टेस्ट करते हैं कि इसका जायका कैसा है। वैसे तो बहुत ज़बरदस्त और गर्मा गर्म सी लग रही है, और जो इससे खुशबू आ रही है देसी की और थोड़े से शीरे वाली जो गर्मा गर्म सी होती है वो आ रही है, तो टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, आर प्लस टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त।
अच्छे से टेस्ट के बारे में बोलना चाहूँगा, बहुत ही मज़ेदार किस्म का टेस्ट है इसके अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं जो इसमें खोए की फिलिंग करी है वो वाइट वाला नहीं है, बल्कि एक जो फ्राई करा हुआ ब्राउन कलर का खोया होता है, तो वो वाला खोया, तो खोए की और गुजिया की आपस में मिलके बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ रहा है साथ में शीरे के साथ, और साथ ही में जो हल्की सी है कि इलायची का फ्लेवर आ रहा है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ओवरऑल ये गुजिया आउट क्लास टेस्ट के साथ बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर आप यहाँ पर आके इसको ट्राई करना चाहें या अपने घर पर भी लेना चाहें तो भी मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर ऑर्डर भी आप दे सकते हैं, इनके फ़ोन नंबर आपको जैसे कि वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो इसी साथ ही आज के व्लॉग का एंड करते हैं, इससे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।